अरे हमारे सभी मुख्य मेहमानों का जिन्होंने हमारे इस आयोजन के आमंत्रण का मान रखा, अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। आप सभी ने इस मंच पर आकर इस मंच की शोभा बढ़ाई, क्योंकि ये मंच अधूरा था आपकी आपके आने तक। आपने इस आयोजन की शोभा बढ़ाई, उसका भी धन्यवाद। और क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं, अन्य समाज से लोग जो हर साल आरसीएल के इस कुंभ में जुड़ते हैं, अन्य समाज से पधारे हुए उन सब समस्त तमाम समाज बंधुओं का भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने भी आकर हमारी शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। एक बार अन्य समाज से आए हुए लोगों के लिए राजपुरोहित समाज के सभी लोग तालियां बजाएं। अब विधिवत रूप से मैं इस समापन समारोह की शुरुआत करूं, उसके पहले हम जोर से जयकारा लगाएंगे ब्रह्मा जी भगवान का। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर मेरा साथ देंगे, बोलिए ब्रह्मा जी भगवान की, बोलिए श्री श्री 1008 संत खेताराम जी महाराज की, बोलिए संत श्री श्री 1008 आत्मानंद जी महाराज की, बोलिए श्री श्री 1008 संत श्री शिवानंद जी महाराज की। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब बिना समय व्यतीत किए हुए जिन मेहमानों को देखने के लिए हम लालायित हैं, जिनके आने से हमारी शोभा बढ़ी, एक एक करके जब मैं उनका नाम लूं, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा गुरु सिंह जी कालूड़ी राजपुरोहित समाज सूरत के ही अध्यक्ष हैं, स्वागत है आपका। अगला नाम, ये सुंदर आयोजन, इसके टाइटल स्पॉन्सर, तालियों की गूंज बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तालियों की गूंज प्रेरित करेगी बामा चाओ को। टाइटल स्पॉन्सर वेदांत बैकबॉल, नारायण जी भोमा जी लाप। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सूरत की आन बान शान, हमारी पहचान, श्रीमान दिनेश जी राजपुरोहित, चेयरमैन सब सम इंप्रूवमेंट कमेटी, सबके नाम बारी बारी से लूंगा मैं। ये आपका बड़प्पन है कि मेहमान की तरह बुलाते हैं और कार्यकर्ता के रूप में आप हमारे साथ काम करते हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान तुलसीराम जी राजपुरोहित, हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात, ये अध्यक्ष हैं विप्रो फाउंडेशन गुजरात प्रदेश के। अगला नाम, नवसारी से पधारे हुए हमारे मुख्य मेहमान श्रीमान नरेश जी राजपुरोहित, चेयरमैन महकम कमेटी नवसारे। इसके बाद हमारे एक और मूल्यवान मेहमान श्रीमान प्रताप जी राजपुरोहित जैतपुरा, अध्यक्ष राजपुरोहित समृद्धि परिषद। राजपुरोहित समृद्धि परिषद की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में 2 वर्ष पूर्व महाकुंभ करवाया था इनके नेतृत्व में, जोरदार तालियां बजनी चाहिए प्रताप जी के लिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान लाल सिंह जी राजपुरोहित, अध्यक्ष राजस्थान युवा संघ, लाल सिंह जी राजपुरोहित। अगला नाम, सिरोही जालोर से ताल्लुक रखने वाले हर व्यक्ति को जो बड़ा गर्व से इनका नाम लेता है, श्रीमान जगदीश जी राजपुरोहित नून, चेयरमैन माँ चैरिटेबल ट्रस्ट। आज देखिए नेता बनकर आए थे, खिलाड़ी बनकर आ रहे हैं मंच पर, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इसके बाद वार्ड नंबर 18 के हमारे नगर सेवक श्रीमान कैमर भाई देसाई का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिनेश भाई। इसके बाद ये ग्राउंड जिनका सपोर्ट हमें भरपूर मिला, इस ग्राउंड के मालिक और सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर नरेंद्र भाई पांडव, जोरदार तालियां, तालियां बजाओगे तो ग्राउंड इजीली मिलेगा हमें।
इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराऊंगा जिनके कचौरी समोसे का स्वाद पूरे विश्व में फेमस है। घनश्याम जी सेवक, अध्यक्ष विप्रो फाउंडेशन सूरत प्रदेश, काफी सेवा भावी व्यक्तित्व के धनी हैं। वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में मुझे उनसे जुड़ने का मौका मिला था। बढ़िया सरल स्वभाव के व्यक्ति, इनका आना हमारे लिए गौरव की बात। इसके बाद जो सुंदर स्वादिष्ट भोजन का आनंद आज लुप्त सभी ने उठाया, भले चुंदड़ी इनके स्पॉन्सर है नंदनी सिल्क नंदनी ग्रुप राम जी छोटा जी लोकल निवेदन है मंच पर बता रहे। इसके बाद 4 & 6 स्पॉन्सर एसी कंसल्टेंसी श्रीमान अशोक जी सगा जी रायगर उनसे निवेदन है कि मंच पर बता रहे। आगे आगे जब मैं नाम लूं अगर वो मौजूद ना हो तो उनके परिवार से उनका कोई भी सदस्य, इन भामाशाहों को मंच पर बुलाने का एक ही कारण है कि आज सभी समाज के बंधु इनसे प्रेरणा ले सकें। आज इन भामाशाहों के कंधों पर ही इस पूरे आयोजन का भार टिका है, तो एक बार फिर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। इसके बाद 12 तारीख के फूड स्पॉन्सर जागनाथ सिल्क मिल्स श्रीमान चमना जी भीका जी नारायणलाल जी सुपुत्र माता जी जागरवाल गाँव जोड़वाड़ा, धुन बजती रहनी चाहिए। इसके बाद 13 तारीख के फूड स्पॉन्सर अनमोल ज्वेलर्स श्रीमान शंभू सिंह जी सुपुत्र मान सिंह जी गुंडेसा गांव नोरवा जिला जालोर। इसके बाद उत्तरायण के दिन इस स्वादिष्ट भोजन का लुफ्त उठाया उसके स्पॉन्सर अलिस्का फैशन श्रीमान डायालाल जी गलबाजी रायगर गांव वराड़ा जिला सिरोही। नाम लेने में कोई भूल चुक हो तो आप ही का बेटा हूं, माफ कर दीजिएगा। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए और खिलाड़ी विशेष रूप से ये तालियों की गूंज है ना, ये प्रेरित करती रहेगी आने वाले समय में आरसीएल 7 के लिए सभी को। और कल के हमारे फूड स्पॉन्सर थे नरेंद्र क्रिएशन श्रीमान अशोक जी धर्मा जी फौजर गांव चढ़वाल जिला सिरोही। नरेश जी से निवेदन है, मैंने पहले ही कहा कि वो या उनके परिवार से कोई भी मौजूद हो आपका स्वागत है इस मंच पर। इसके बाद 5 दिनों तक इस आयोजन का पूरा लुफ्त लोगों ने ग्राउंड पर उठाया और घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश क्रिकेट के चाहने वालों समाज के चाहने वालों ने सब जगह देखा। इस यूट्यूब की व्यवस्था इसके स्पॉन्सर हैं, जोरदार तालियां मालानी रियल एस्टेट श्रीमान राजू जी मालानी गांव मीठा जिला बाड़मेर। आज के अगर YouTube व्यूअर्स की बात करूं तो मैं आज लगभग इस ग्राउंड पे 3000 और ग्राउंड के बाहर 10000 लोगों ने फाइनल का लुत्फ उठाया। इसके बाद नरेंद्र भाई पांडव से ये चाबी लेके आरसीएल की कमिटी तक पहुंचाने का जिन्होंने काम किया, ये ग्राउंड के स्पॉन्सर हैं महालक्ष्मी सारीज श्रीमान प्रकाश जी दरगाह जी रायगर गाँव मूर्तरा सिली और श्रीमान प्रदीप जी सदरा जी राजगुरु गाँव भीमाल। हनुमान सिंह जी से निवेदन है कि आप पधारे। इसके बाद इस टूर्नामेंट में टिकट स्पॉन्सर हैं विजय लक्ष्मी क्रिएशन श्रीमान बाबूलाल जी छोगा जी पोतरवाल गांव मनोरा जिला सिरोही। RCL 6 के इंट्रोडक्शन के लिए जो वीडियो बनाने की बात कही थी तो सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय वीडियो हुआ था इसके कारण फैन फॉलोइंग आप देख सकते हैं। बाबूलाल जी छोगा जी जोरदार तालियां बजनी चाहिए।
आज ये खूबसूरत पत्रिका जो मेरे हाथ में है, जिसके माध्यम से मैं सभी के नाम आप तक पहुंचा रहा हूं और हजारों लोगों तक डिजिटल माध्यम से भी पहुंची, उसके पत्रिका स्पॉन्सर हैं देविका पैकेजिंग, श्रीमान कांतिलाल जी, कपूर चंद जी, सुपुत्र बाबूलाल जी, राजगुरु, गांव करडा, जिला जालोर। कांतिलाल जी पधारे मंच पर। इसके बाद 16 टीमें, सभी स्पॉन्सर, कमिटी मेंबर्स और हर चाहने वाले के सर पर ये खूबसूरत टोपी नजर आ रही थी, कैप नजर आ रही थी, उसके कैप स्पॉन्सर हैं प्रतिभा एजेंसी, श्रीमान अमृत जी, सुपुत्र मूलचंद जी, राजगुरु, गांव मड़ोरा, जिला सिरोही। बाद कोई खिलाड़ी भूखा ना रहे उसके लिए भोजन स्पॉन्सर थे, तो कोई खिलाड़ी प्यासा ना रहे उसके लिए वाटर स्पॉन्सर थे, वाटर स्पॉन्सर अरमान क्रिएशन, श्रीमान छगन जी, सुपुत्र बबूता जी, केदरिया, गांव बेलांगरे। बाद जो 16 टीमें उतरी उनको यहाँ भेजने का रास्ता साफ किया, उनके स्पॉन्सर बने, उन्हें सहयोग किया और स्पॉन्सरशिप दी, ऐसे नामों को मैं आमंत्रित करूँ खिलाड़ियों की तरफ से, चाहे वो उस टीम का मेंबर हो या ना हो, लेकिन हर टीम के स्पॉन्सर के लिए हर खिलाड़ी की तरफ से जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पहले आमंत्रित करता हूँ फाइटर 11 के स्पॉन्सर रोलेक्स, श्रीमान श्रवण जी, सुपुत्र ममता जी रायगर, गांव बराड़ा। भाई आ जाए, और मैंने पहले ही कहा है कि आपके परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनके परिवार से कोई भी आ सकता है मंच पर, आपका स्वागत है, सम्मान है, क्योंकि भामाशाहों की बदौलत आज सूरत में ये दृश्य हम देख पा रहे हैं। इसके बाद ममता वॉरियर तूफान, इसके स्पॉन्सर हैं ममता क्रिएशन, श्रीमान खीमा जी, चेला जी, साथ हुआ सूरज जी से निवेदन है कि मंच पर पधारें, गांव सोमता। बाद मीनानी टाइगर्स, इसके स्पॉन्सर हैं भवानी प्रिंट, श्रीमान जयपा जी, समर्था जी, फादर, गांव मनोरा, जिला सिरोही। डीजे आसिफ एस के। इसके बाद मां रोहिणी, इसके स्पॉन्सर है शॉपिंग बस्ती, श्रीमान भीम सिंह जी, सुपुत्र सवाई सिंह जी, सेवड़, गांव भैंसर, खुतड़ी, जिला जोधपुर, राजस्थान। मां रोहिणी टीम के सदस्यों से निवेदन है कि वरिष्ठ सदस्य अगर स्पॉन्सर मौजूद ना हो तो आप ही मंच पर पधारें। इसके बाद हेमावास सुपर किंग, उसके स्पॉन्सर हैं वरुण मार्केटिंग, श्रीमान जुहार जी, सुपुत्र हकमा जी, जागरवाल, गांव बासरा, धनजी, जिला जालोर, गौतम जी से निवेदन है। इसके बाद जो टीम कल तक हमें खेलते हुए नजर आ रही थी सेमीफाइनल में, जिसने अपनी जगह बनाई थी, गोरक्षक, उसके स्पॉन्सर हैं तिरुपति इंटरनेशनल होटल, श्रीमान राजकीय पुरोहित, हमारे समाज का गौरव, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और पूर्व कैबिनेट मंत्री सूरज भाई से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। इसके बाद मिस्टर बॉन्ड वीजे 11, इसके स्पॉन्सर हैं मिस्टर बॉन्ड वीजे एंड कंपनी, श्रीमान भवलाल जी, जैसा जी, पोदरवाल, गांव भादरड़ा, जिला जालोर। उनके प्लेयर होंगे कमलेश। सभी से निवेदन है कि आप बैठ जाएं, इस मंच को हमने इसलिए बड़ा बनाया है कि सभी लोग आसानी से
जिनसे माता बहने बैठी है उनको ये मंच नजर नहीं आ रहा है, तो आपसे निवेदन है या तो आप आगे की तरफ आ जाए, आगे बहुत सारी जगह है, आगे आके बैठ जाइए। दूसरे वन से कमलेश जी का इंतजार है आपका, उसके बाद थोड़ा बहुत तो हक बनता है फैसिलिटी करने का। मेरी फेवरेट टीम MSC 11, इसके स्पॉन्सर है माई चॉइस ग्रुप, श्रीमान तुलसीराम जी डोला जी पोदरवाल। एक जो छोटा समर्थक कल ग्राउंड में नजर आ रहा था, अब उसका इंतजार हो रहा है मंच पर, चैतन्य। पुरोहित थाली नहीं, नहीं ऐसे कैसे नहीं कर सकते, अभी तो हमें आपके साथ सेलिब्रेशन करना है। इसके बाद शिवानंद स्पोर्ट्स, इस टीम के स्पॉन्सर हैं SSC ग्रुप। इसके बाद स्वीट 11, थोड़ी सी शांति बनाए रखें और मंच की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। इसके बाद स्वीट 11, उनके स्पॉन्सर है कृष्णा नोवेल्टी और फर्नीचर और राजपुरोहित सेवा संस्थान सिल्डर, वसंत जी सिल्डर, उनसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। श्रीमान रमेश जी, जीतू जी, जगदीश जी, सुपुत्र छोटा जी, उदेश, कृष्णा नोवेल्टी और फर्नीचर और राजपुरोहित सेवा संस्थान सिल्डर, हमारे सेवा संस्थान के वरिष्ठ सदस्य वसंत भाई। इसके बाद जगन्नाथ वॉरियर, इनके टीम स्पॉन्सर थे प्रिया मोबाइल, श्रीमान पूनम सिंह जी, शंकरलाल जी, पुखराज सिंह जी, सुपुत्र हंजारी सिंह जी जागरवाल, गांव अरणू, जिला जालोर। निवेदन है कि मंच पर बजा रहे हैं आप। इसके बाद टीम RR राजपुरोहित रॉयल्स, इस टीम के स्पॉन्सर हैं शुभ लक्ष्मी सारी जन लहंगाज, श्रीमान हरसन जी, आसू जी, सुपुत्र जुआर जी लोपल, गांव तवर। इसके बाद जिस टीम ने फाइनल में जगह बनाई और जगह बना के रुके नहीं, फाइनल की ट्रॉफी अपने घर पे लेके गए, पुरोहित थाली, इस टीम के स्पॉन्सर है राजघराना डेवलपर, श्रीमान हनुमान सिंह जी, सुपुत्र सरदार सिंह जी जागरवाल, गांव रेवतड़ा, जिला जालोर। इसके बाद सोमनाथ सुपर किंग्स, इसके स्पॉन्सर हैं हर वर्ष की भांति सोमनाथ टी ग्रुप, श्रीमान स्वर्गीय अदराजी शिवाजी लोपल और श्रीमान तुलसा जी की माजी उदेश, जिला जालोर, पूरी टीम के लिए और स्पॉन्सरों के लिए। राजू भाई चांदोर पधारे स्टेज पर। इसके बाद एक और बड़ी टीम आशापुरी एवेंजर्स, उसके टीम स्पॉन्सर हैं रुद्राक्ष क्रिएशन, पहले से ही मौजूद है लेकिन तालियां बजनी चाहिए, श्रीमान मीठालाल जी, सुपुत्र त्रिकमा जी सातपुरा गांव सोमता और श्रीमान जितेश जी, सुपुत्र कांतिलाल जी पोदरवाल गांव भादरडा। इसके बाद जिस टीम ने 16 टीमों में से अंतिम दो में अपनी जगह बनाई KCC, इस टीम के स्पॉन्सर हैं MD ग्रुप, श्रीमान माला राम जी धर्मा जी पोदरवाल। दिनेश जी मंडवाड़ा, फाइटर 11,
जितने भी मैंने नाम लिए सभी टीम स्पॉन्सर थे, सभी फूड स्पॉन्सर थे, वाटर स्पॉन्सर थे, किड स्पॉन्सर थे, यूट्यूब स्पॉन्सर थे, पत्रिका स्पॉन्सर थे। अब भी अगर वो नीचे बैठे हैं तो उनका इंतजार हो रहा है, मंच पर आप आकर इस मंच की शोभा बढ़ाएं। मिस्टर बॉन्ड से कमलेश जी, दशरथ भाई वो लिस्ट। कानाराम जी एम मनोरा, YouTube के माध्यम से सभी को अपना परिचय कराएं। कौन सी ये टीम है लोग देखना चाहते हैं इस बार कैमरे के सामने जो इतना शानदार आयोजन करवाती है। राजेश एम पुरोहित, सभी लोग मंच के सामने तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। इसके बाद दशरथ के पुरोहित मिस्टर तूफान, इसके बाद जितेंद्र ए पुरोहित, जितेंद्र भाई ए पुरोहित, सबके आगे भाई सबने से बड़े हैं माफ कीजिएगा। इसके बाद रतन भाई पुरोहित, इसके बाद जोरदार तालियां स्वागत नहीं करोगे क्या, नए कमेटी मेंबर हैं। इसके बाद हरीश भाई सी पुरोहित, जोरदार तालियां इनके लिए भी। इसके बाद जीतू भाई के पुरोहित भादरड़ा, इसके बाद जिनकी खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है अशोक भाई पुरोहित, इसके बाद यंगेस्ट मेंबर ऑफ दिस कमेटी भरत, भरत को छोड़कर सभी मेरे बड़े भाई हैं। पहली बार उनसे जुड़ने का मौका मिला, इनकी मेहनत को करीब से देखने का मौका मिला। लगभग शायद ही इनमें से कोई क्रिकेट खेलता है, लेकिन इतने सालों से खेल के माध्यम से समाज को जो जोड़ने का भगीरथ कार्य करते हैं इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनकी मेहनत को मैं नमन करता हूं। इसके बाद एक सितारा पिछले वर्ष हमसे छूट गया, हमसे दूर हो गया, वो हमसे छूटा है लेकिन हमारे दिलों से भूला नहीं है। दशरथ भाई के लिए इस बार तालियां बजनी चाहिए जोरदार। जब तक आरसीएल रहेगा हमेशा कमिटी मेंबर के रूप में उनको याद किया जाएगा। दशरथ भाई वराड़ा, अब स्वागत समारोह की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बाद हमारे सूरत राजपुरोहित समाज के अध्यक्ष बाबू सिंह जी कालोड़ी, उनका सावा महना कर स्वागत करेंगे। कानाराम जी सीनियर कमेटी मेंबर, मोमेंटो और सावा दोनों। इसके बाद तालियां जोरदार बजनी चाहिए इस आरसीएल 6 के टाइटल स्पॉन्सर वेदांत बैकबॉल श्रीमान नारंगी भोमाजी लापा, हरीश भाई, राजू भाई, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस साल के टाइटल स्पॉन्सर है।
बाद हमारे समाज के गौरव श्रीमान तुलसीराम जी राजपुरोहित अध्यक्ष हैं ये विप्रो फाउंडेशन गुजरात प्रदेश के, साफा पहनाकर स्वागत करेंगे दशरथ भाई। डीजे आसिफ एसके। इसके बाद इस सूरत में दो ही ब्रांड है राजपुरोहित समाज की, एक आरसीएल और एक दिनेश भाई राजपुरोहित, जिनके नाम से हम अपनी पहचान बताते हैं कि ये हमारे बड़े भाई हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जीतने के बाद पहली बार आरसीएल के मंच पर। इसके बाद राजपुरोहित समाज का मुंबई में जिन्होंने महाकुंभ करवाया था, माननीय अध्यक्ष राजपुरोहित समृद्धि परिषद श्रीमान प्रताप जी राजपुरोहित जेतपुरा, दशरथ भाई आगे आए। राजपुरोहित समाज का गौरव है प्रताप जी। श्रीमान लाल सिंह जी राजपुरोहित राजस्थान युवा के माननीय अध्यक्ष जीतू भाई बादलड़ा। वार्ड नंबर 18 के हमारे दिनेश भाई के साथी कॉर्पोरेटर कैमर भाई देसाई यहां पर मौजूद हैं, उनका स्वागत करेंगे। हरीश भाई होता है कि दूसरे काउंटर की चाबी लेते हैं तो तुम्हें जानो ना तुम्हारू काम जाने, पर इस 5 दिन तक हमारे साथ डटकर खड़े रहे नरेंद्र जी पांडव कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल सूरत म्युनिसिपल, उनका साफा पहनाकर स्वागत करेंगे रतन भाई। इस ग्राउंड पर खेल के अगर मजा आया ना तो तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां। जगदीश भाई के लिए भी ताली। श्रीमान नरेश जी राजपुरोहित नवसारी से हमारे बीच पधारे हैं, चेयरमैन महकम कमेटी, जोरदार तालियों से स्वागत उनका। इसके बाद जिनकी सेवा हम सबके लिए प्रेरणा है, ऐसे हमारे समाज बंधु श्रीमान जगदीश जी राजपुरोहित चेयरमैन माँ चैरिटेबल ट्रस्ट, जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। हमारे लोकप्रिय लोक लाडले मुंह बोले मेहमान। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले परिचय करवाया, शिव शक्ति स्वीट्स के मालिक और उससे भी बड़ी बात विप्रो फाउंडेशन जो ब्राह्मणों को जोड़ने की संस्था है उसके सूरत के अध्यक्ष हैं श्रीमान घनश्याम जी सेवक, उनका स्वागत करेंगे यहां पर राजू भाई। अब जल्दी जल्दी मैं स्पॉन्सर के नाम लूंगा, कमिटी मेंबर्स तैयारियां पूरी कर दें। इसके बाद फले चुंदड़ी नंदनी सिल्क मिल्स श्रीमान डूंगाराम जी छोगा जी लोपल स्वागत सम्मान करेंगे, कानाराम जी मनोरा जल्दी जल्दी पहुंचिए आप। इसके बाद 4 & 6 स्पॉन्सर रेसी कंसल्टेंसी श्रीमान अशोक जी तगाजी रायगढ़,
कुछ मेहमान पीछे की लाइन में बैठे, उनसे निवेदन है कि जब आपका नाम आए मंच की तरफ आगे आए, हम पूरे दूर दराज सभी लोगों को दिखाना चाहते हैं। आप जैसे आयोजकों की वजह से, आपके सहयोग से इस तरह का आयोजन संभव होता है। आप सभी को हम मिलाना चाहते हैं हमारे दर्शकों से। इसके बाद जागनाथ सिल्क मिल से श्रीमान चमना जी, श्रीमान अशोक जी तगाजी रायगर, उनका स्वागत सम्मान करेंगे राजू भाई मनोरा। इसके बाद जागनाथ सिल्क मिल्स नारायण लाल जी, माधाजी जागरवाल। इसके बाद दशरथ भाई जागनाथ, उनका सम्मान करेंगे दशरथ भाई। इसके बाद अनमोल ज्वेलर्स, उनका सम्मान करेंगे जीतू भाई तवाव। इसके बाद अलिस्का फैशन से डायालाल जी गलबाजी रायगर, इनका स्वागत करेंगे दशरथ भाई। इसके बाद नरेंद्र क्रिएशन फूड स्पॉन्सर, उनका स्वागत सम्मान करेंगे दशरथ भाई। श्रीमान अशोक जी धर्माजी फादर, निवेदन है कि मंच की तरफ आगे आए, उनका सम्मान करेंगे दशरथ भाई। YouTube के स्पॉन्सर श्रीमान राजू मलाणी, उनका स्वागत सम्मान करेंगे अशोक भाई नून। इसके बाद ग्राउंड स्पॉन्सर श्रीमान प्रकाश जी दुर्गा जी रायगर और श्रीमान प्रदीप जी सरदार जी राजगुरु, उनका स्वागत सम्मान करेंगे भरत मनोरा। इसके बाद किड स्पॉन्सर विजय लक्ष्मी क्रिएशन श्रीमान बाबूलाल जी छोगा जी पोदरवाल, उनका स्वागत सम्मान करेंगे दशरथ भाई। ग्राउंड स्पॉन्सर का सम्मान करेंगे भरत जी मनोरा। इसके बाद हमारे पत्रिका स्पॉन्सर श्रीमान कांतिलाल जी कपूरचंद जी सुपुत्र बाबूलाल जी राजगुरु, उनका स्वागत सम्मान करेंगे रतन जी नून। हमारे कैप स्पॉन्सर आगे की तरफ आए, उनका स्वागत सम्मान करेंगे कानाराम जी, श्रीमान अमृत जी सुपुत्र मूलचंद जी राजगुरु। इसके बाद वाटर स्पॉन्सर अरमान क्रिएशन, उनका स्वागत सम्मान करेंगे राजू भाई। किड स्पॉन्सर बाबूलाल जी छोगा जी पोदरवाल। कैश स्पॉन्सर, उनका स्वागत सम्मान करेंगे कानाराम जी। इसके बाद वाटर स्पॉन्सर अरमान क्रिएशन, उनका स्वागत करेंगे राजू भाई। हो गया। अब टीम स्पॉन्सर्स के नाम लूंगा। फाइटर 11 के स्पॉन्सर श्रीमान सरवण जी सुपुत्र ममता जी रायगर, इनका स्वागत सम्मान करेंगे कानाराम जी। अब लाइन से फाइटर 11 के स्पॉन्सर। इसके बाद ममता क्रिएशन जो कि स्पॉन्सर थे ममता वॉरियर्स तूफान के। इसके बाद ममता वॉरियर्स तूफान के स्पॉन्सर का स्वागत सम्मान करेंगे साफा पहनाकर दशरथ भाई तूफान।
इसके बाद विनानी टाइगर्स, इनके स्पॉन्सर थे भवानी प्रिंट, उनका स्वागत करेंगे राजू भाई। इसके बाद मारोहिनी टीम के स्पॉन्सर शॉपिंग बस्ती, उनका स्वागत सम्मान करेंगे जीतू भाई तवाव। इसके बाद हेमावास सुपर किंग के स्पॉन्सर वरुण मार्केटिंग, उनका स्वागत सम्मान करेंगे हरीश भाई। इसके बाद गोरक्षक टीम के स्पॉन्सर तिरुपति इंटरनेशनल होटल, उनका स्वागत सम्मान करेंगे जीतू भाई तवाव। तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं उनका स्वागत सम्मान करेंगे अशोक भाई नून। इसके बाद अनुष्ठी इलेवन माई चॉइस, उनका स्वागत इसके बाद शिवानंद स्पोर्ट्स क्लब एसएससी ग्रुप से बंटी, उनका स्वागत सम्मान करेंगे द यंगेस्ट कमिटी मेंबर भरत। भरत बंटी का सम्मान करेंगे भरत। इसके बाद स्वीट इलेवन, इसके स्पॉन्सर है कृष्णा नॉवेल्टी फर्नीचर सुंदर और राजपुरोहित सेवा संस्थान सुंदर, उनके वरिष्ठ सदस्य मौजूद यहाँ पर वसंत भाई, उनका स्वागत सम्मान करेंगे जीतू भाई भादरडा। इसके बाद जागनाथ वॉरियर प्रिया मोबाइल, उनका स्वागत सम्मान करेंगे रतन भाई नून। बाद आरआर टीम के स्पॉन्सर थे शुभ लक्ष्मी सारीज एंड लहंगा, उनका स्वागत सम्मान करेंगे दशरथ भाई। इसके बाद आमंत्रित करूंगा पुरोहित थाली के स्पॉन्सर राजघराना डेवलपर, कोई नहीं है, मोमेंटो से सम्मानित करेंगे जीतू भाई तवाव। इसके बाद सोमनाथ सुपर किंग, उनका स्वागत सम्मान करेंगे जीतू भाई भादरडा। बाद आशापुरी एवेंजर्स, उनके स्पॉन्सर का स्वागत करेंगे रतन जी नून। पूरी एवेंजर्स की बात करूं तो हर किसी को पता है, हर साल की भांति आप ही उनके स्पॉन्सर हैं, आपका नाम हर किसी के मुख जुबानी। एक बार जोरदार तालियां मिठालाल जी सोमता के लिए। इसके बाद है
धन्यवाद केसीसी टीम के स्पॉन्सर एमडी ग्रुप, उनका स्वागत सम्मान करेंगे भरत। ये सभी स्पॉन्सर्स के लिए मैं एक बार से सामूहिक रूप से तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहूंगा। इसके बाद समय की मर्यादा है, लेकिन उन सभी को स्पॉन्सरों का धन्यवाद हृदय की गहराइयों से जो को स्पॉन्सर के रूप में आरसीएल सिक्सएल से जुड़े। आगे भी इन सभी भामाशाहों से ऐसी ही उम्मीद रहेगी कि युवाओं के जोश के लिए, समाज के मिलन के लिए इसी तरह का आप सहयोग प्रदान करें। मिस्टर बॉन्ड उनके कोई खिलाड़ी हो तो भी मंच पर आए और अपना मोमेंटो प्राप्त करें। आरसीएल कमेटी का यह सम्मान आपके स्पॉन्सरों के लिए है। शॉपिंग बस्ती उनसे भी निवेदन है कि आप भी पधारें मंच पर। इसके बाद अनमोल ज्वेलर्स से कोई भी हो तो वो पधारें। इसके बाद पिछले, जैसा कि हम सभी को पता है कि समय की मर्यादा रहती है, तो को स्पॉन्सरों का हमेशा प्रतिदिन 4 दिन से 5 दिन के मुकाबले में जब समय मिला सभी का हमने स्वागत सम्मान किया। लेकिन अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं माफी चाहूंगा, उसे आप दिल पर मत लेके जाइएगा। आज सिर्फ ये याद रखिए आरसीएल कमेटी की इस मेहनत को, जो मेहनत कर रही है समाज को एक मंच पर जोड़ने का, और ये तभी संभव है जब आप जैसे को स्पॉन्सर भामाशाह के रूप में हमसे जुड़ते हैं, तो आपका स्थान हमेशा हमारे दिलों में बड़ा रहेगा। एक बार जोरदार उन को स्पॉन्सरों के लिए तालियां। ये 5 दिन का आयोजन, इसके बाद जो हमारे नेता हैं और इस आरसीएल के कार्यकर्ता हैं, मैं स्वागत भाषण के लिए आपकी तालियों की गूंज के साथ आमंत्रित करूंगा दिनेश जी राजपुरोहित को। बोलो ब्रह्मा जी भगवान की, पिताजी जी महाराज की, माता जी महाराज की, जनक जी महाराज की, आरसीएल सीजन 6 के सजे हुए मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी समाज मंत्रियों को प्रणाम करता हूँ और जो टीमें यहाँ खेली है 16 टीम, सभी खिलाड़ियों को प्रणाम।
मानते हैं। खेलने वाले 11 खिलाड़ी, बाहर बैठे हुए 11 खिलाड़ी, हजारों लोग देखने वाले टीवी के माध्यम से, लाखों लोग देखने वाले, सब लोग एम्पायर के जो निर्णय होता है उसको सर्वोपरि मानते हैं और उसके निर्णय को हम मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मेरे युवा मित्रों, हमारे घर के एम्पायर कौन है? हमारे परिवार के एम्पायर कौन है? हमारे माता पिता हमारे घर के और परिवार के एम्पायर है। उनकी जो बातें हैं वो हमारे लिए है, वो उनका जो निर्णय है वो हमारे लिए श्रेष्ठ निर्णय है। उनके अनुभव की चाशनी में चला हुआ वो पानी और वो जो अनुभव है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हमारे परिवार का जो एम्पायर जो हमारे लिए जो निर्णय ले उसको अक्षर से हम सब फॉलो करें। आप सब ने मुझे सुना, कमिटी ने मेरा सम्मान किया। अस्तु, भारत माता की जय, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद दिनेश भाई। दिनेश भाई ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि किस तरह से एक अंपायर जब हमें निर्णय दे के आउट भेजता है तो हम बिना विवाद किए पहुंच जाते हैं। तो इस कलयुग में भी अगर हमारा सबसे बड़ा कोई अंपायर है तो वो हमारे माता पिता है। और जिस आरसीएल की कमेटी का चुनावों के दौरान मेहनत का जिक्र किया तो मैं दिनेश भाई को आश्वासन देना चाहूँगा, आप राजनीतिक जीवन के हर कदम पर ये आरसीएल परिवार आपके साथ रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसके बाद इस 5 दिनों तक जिस इंसान ने, जिस खिलाड़ी ने हम सबको इंस्पायर किया, मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, उनको देरी हो रही है तो बीच में उनका नाम ले रहा हूँ, जसवंत सिंह जी राजपुरोहित। ये भारतीय हैंडीकैप टीम के एक अहम हिस्सा हैं। विश्व विख्यात खिलाड़ी स्टीव वॉ ने भारतीय क्रिकेट को लेकर एक बुक लिखी है, उनमें उनके लिए एक पूरा प्रकरण लिखा है, उनका एक पेज लिखा है। ये कहीं ना कहीं राजपुरोहित समाज का गौरव है। और मैं इनकी फुर्ती की बात करूं तो इनकी एक टांग की फुर्ती आप मैदान पर देखोगे तो दो टांगों वालों को शर्मिंदा कर देती है। इस फुर्ती के लिए, इस जज्बे को सलाम, जोरदार तालियों से स्वागत आरसीएल परिवार द्वारा। ये 3000 पब्लिक में से कम मैं कहूंगा तो 500 लोग ऐसे हैं सिर्फ जो जसवंत जी को देखने आते हैं यहाँ पर। आरसीएल की रौनक में 4 चांद लगाने के लिए जसवंत जी के लिए तालियां कम थी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और ये प्रेरणाएं सूरत के समाज तक पहुंचे, हमारे खिलाड़ियों तक पहुंचे, हमको प्रेरित करें, इसलिए हमारे बड़े भाई साहब दिनेश जी विनानी ग्रुप से हर साल इनको 11,000 का चेक देकर यहाँ पे बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उन दिनेश जी के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आगे आए दिनेश जी, आगे आए। इन प्रेरणाओं को भी प्रेरणा बनाने के लिए प्रेरणाओं की जरूरत होती है। दिनेश जी के लिए जोरदार तालियां। गौरक्षक की टीम के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगा कि गौरक्षक की टीम जब भी उतरती है तो उसमें जसवंत जी का नाम रिजर्व होता है, एक बार उस टीम के हौसले को भी सलाम। इसके बाद समाज का गौरव, एक छोटा सा उदाहरण दूं, राम मंदिर जब बन रहा था तो हमारे समाज में से किसी ने 21 लाख का वहां पे सहयोग किया था और हमने बड़े गर्व से अलग अलग ग्रुपों में फॉरवर्ड किया था। ऐसे हमारे समाज के गौरव जिन्होंने मुंबई में पूरे भारत के राजपुरोहितों को इकट्ठा किया, राजपुरोहित समृद्धि परिषद के अध्यक्ष श्रीमान प्रताप जी जैतपुरा हमारे बीच में है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनको आमंत्रित करते हैं मंच पर। मंच पर विराजमान सूरत राजपुरोहित समाज के अध्यक्ष श्रीमान बाबू सिंह जी कालोटी, राजपुरोहित समाज के गौरव और इम्प्रूवमेंट कमेटी के चेयरमैन मेरे साथी श्री दिनेश जी नोन, मंच पर विराजमान एक और नोन के हीरो जगदीश जी नोन, सम्मानित मंच, यहाँ पर पधारे हुए सभी महानुभावों, मेरे युवा साथियों, जिस प्रकार से मैं ये सूरत की खूबसूरती देख रहा करके देखता था और मैच जो चल रही थी, जो डिसिप्लिन में देख रहा था, वाकई दिल को छू लेने वाली चीज़ थी। दिल प्रफुल्लित हो रहा था कि इतना बड़ा मेलावा होकर के भी इतनी सारी टीम खेल रही थी और जिस प्रकार से
डिसिप्लिन था, मान मर्यादा थी। और अभी मंच पर अनाउंस हो रहे थे स्वागत के लिए, सबसे पहले दिनेश जी का अनाउंस हुआ, लेकिन वो जिस प्रकार से दिल के हृदय से सभी मेहमानों को मंच पर आगे प्रेरित कर रहे थे और खुद नीचे खड़े थे, ऐसे मेरे साथी दिनेश जी का मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और सूरत की पूरी टीम जो यहाँ पर क्रिकेट टीम का आयोजन करने वाले सज्जनों और यहाँ पर युवा साथियों को भी मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, इसलिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बधाई। और मैं छोटी सी बात कह करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जीवन में विदुर जी ने कहा है कि तीन बातें दिन में सीखनी चाहिए, तीन बातें। जब उम्र होती है तो जीवन विद्या, छोटी उम्र रहती है तो एक बार दिन में जीवन में विद्या लेनी चाहिए, जीवन विद्या धन हरु। जब हम 25 साल के होते हैं तो पैसे कमाने चाहिए, और 50 के ऊपर जाते हैं हम लोग, हमारी उम्र बड़ी हो जाती है, मोटी उम्र व्यापारी और बच्चे भी बिजनेस में आ जाते हैं, तो जीवन विद्या धन अरु यश को लाभ न लियो, तो विदुर कहे धतराष्ट्र को वंदे काल सब होई। अगर हम ये तीनों चीज जीवन में कुछ नहीं करते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जब 50 साल की उम्र में रहते हैं तो जस लेना जो खर्चा करें। और ये जो क्रिकेट के माध्यम से और समाज के सने सम्मेलनों के माध्यम से जो हम ये समाज में एक संवाद पैदा करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, समाज को जोड़ने का आजकल दिनेश जी यही क्रिकेट हो या सने सम्मेलन हो, दिवाली होली, बाकी अभी ये जो व्हाट्सएप युग है, आधुनिक युग है, उसमें लोगों की इतनी भागा दौड़ी है और हर इंसान बिजी रहता है, तो हमारी जान पहचान कैसे रहेगी, हम एक दूसरे से संवाद कैसे करेंगे, हमारा परिचय कैसे रहेगा, तो यही एक माध्यम है क्रिकेट हो, सने सम्मेलन हो। और ये जो सूरत तो हमेशा इन चीज़ों में आगे रहता है, हमारे को सूरत से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुंबई तो महानगरी है, लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, इतना हम नहीं कर पाते जितना आप लोग यहाँ करते हैं, गोसेवा हो, विप्र फाउंडेशन हो, बहुत सारी संस्थाओं में, कभी भी सूरत सबसे पहले रहता है। और मैं ये सूरत में आया हूँ करके प्रशंसा नहीं करता हूँ, मैंने अभी मुंबई में भी बोला कि अगर ये जो समाज के सेवा सीखनी हो, समाज के भाव सीखनी हो, समाज में जो मर्यादा है, रिस्पेक्ट है, वो सीखनी हो तो सूरत से सीखनी हो। सब हर आदमी अपने अपने ढंग से सबसे अग्रिय, मतलब अग्रणी था, और मतलब हर आदमी के भाई मैं कैसे समाज में बेटर करूं, मैं कैसे अच्छा करूं, यही समाज के भाव थे। बाकी पुरोहित तो घना बेड़ावाजन लगभग अतरा मनक बेड़ावाजन, तो हॉट का एक आता लागेज फ्रू कहता हूँ शर्ट फाटे इनके अब से कॉयरू कॉय बैपरू। लेकिन ये सूरत से हमको सीखना है। और युवा भी इतने डिसिप्लिन ढंग से खेल रहे थे, एक दूसरे का मान सम्मान कर रहे थे, और बहुत ही शानदार मैच रहा। और जीतने वाली टीम पुरोहित थाली को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, और सभी टीम खेलने वाले, क्योंकि खेल एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी हार कभी जीत, हार जीत भी परमानेंट नहीं होती और हार भी कभी परमानेंट नहीं होती। हारने वाला हमेशा कोशिश करता है तो वो ज़रूर जीत में बदलता है, तो हारने वाली टीम को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। और पुरोहित थाली वाले को इतना गुमान भी मत करो कि नेक्स्ट टाइम में हम हार जाए, कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम में जीतते रहे, क्योंकि दुनिया में चार चीज़ें परमानेंट नहीं होती, चार चीज़ें, प्रजा कजा लक्ष्मी, और धरापण बदले धनी, नटवर अनवर ना फरे, कीर्ति जैने वरी एने वरी। कीर्ति जो है ना समाज में, जैसे प्रजा भी कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, आज वो एक्स आज वाई, तो प्रजा भी अपना मालिक बदलते रहते हैं। कजा यानी झगड़ा भी, आज मेरा और दिनेश जी का अनबना हुआ, कल उनसे हो गया, तो झगड़ा भी अपना मालिक बदलती रहती है। हाँ, प्रजा कजा लक्ष्मी, पहले टाटा बिरला थे, आज अदानी अंबानी है, कल और कोई होगा, तो लक्ष्मी भी अपना मालिक बदलता रहता है, तो वो परमानेंट नहीं है। इसलिए जो परमानेंट नहीं है उसका हमें गर्व नहीं करना चाहिए। और धरा यानी जमीन, आज दिनेश जीरी जमीन है, काले में खरीदी था कंडी जमीन है क्या प्रताप जीरी बस है, पर प्रताप जी वैसी कंडी जमीन नहीं आगे बाबू सिंह जी कालू टीरी, तो धरा भी अपनी मालिक बदलता रहता है। इसलिए बोलते हैं कि प्रजा कजा लक्ष्मी, धरापण बदले धनी, नटवर अनवर न फरे, कीर्ति जैने वरी एने वरी। महाराणा प्रताप को 550 साल हो गए, आज हम लोग याद कर रहे हैं ना,
भगवान कृष्ण को 5,500 साल हो गए, फिर भी उनका हम स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया, कीर्ति ऐसी की, तो सूरत वाले भी कीर्ति ऐसी कर रहे हैं जो राजपुरोहित समाज का एक उदाहरण बनेगा और लोग हम याद कर रहे हैं। और ये जो क्रिकेट मैच है, वाकई पूरे भारत में राजपुरोहित समाज में एक ऐसा संदेश लेना जाएगा कि एकता, भाईचारा और डिसिप्लिन, और जिस ढंग से आप मैनेजमेंट है सीखना है तो कोई सूरत टीम से सीखे। इतना कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपको पुनः खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय गुजरात, जय सूरत, जय भारत। बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रताप जी ने हमें आज प्रेरित किया। पहले जीवन के कालों के बारे में बताया, फिर ये 3-4 चीज़ें ऐसी बताई जो हमारे कभी अधीन नहीं रहती। अगर कोई जो हमेशा वर्षों तक रहता है तो वो हमारी कीर्ति है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सूरत की जनता इसी अनुशासन का परिचय देते हुए भारत भर में एक प्रेरणा बनेगी। सूरत की ये शक्ति सभी सूरतवासियों के लिए एक बार जोरदार तालियां, प्रताप जी के लिए जोरदार तालियां। आपने हमारे बीच आकर हमें प्रेरित किया, ये आपकी वाणी यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो चुकी है, हमें वर्षों तक प्रेरित करती रहेगी, ऐसी उम्मीद है आपसे। खूब खूब धन्यवाद आपका यहाँ पर। इसके बाद दो शब्द धन्यवाद, ठीक है। इसके बाद एक और अगला नाम इस मंच की शोभा बढ़ाते हुए, जिनके सेवा भाव हम सबकी प्रेरणा है, हमारे समाज का गौरव, जो अपने आप में एक संस्था है, एक संस्था चलाते हैं, जिनके चर्चे कई बार हम अखबारों के माध्यम से सुनते हैं, हमारे समाज के गौरव, श्रीमान जगदीश जी राजपुरोहित नून, चेयरमैन माँ चैरिटेबल ट्रस्ट। जय ब्रह्माजी साहब। संत खेतेश्वर दाता ने, आत्मानंद जी महाराज जी ने चरणों में नमन करो। आप ज्यादा वक्त नहीं लो क्योंकि आज मौने होबड़ वास्ते थे आयोला नहीं हो, अरे तो हिंदी में बोलो बोलो। आज आप लोग हमको सुनने नहीं आए हैं तो आपके और आपके आनंद के बीच में ज़्यादा नहीं आना चाहूँगा। तो एक तो आप सब लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि भाई यह देखो ट्रालीबाजी, ज़्यादा बीच में नहीं आएंगे तो ट्रालीबाजी। तो नून का यानी आज मेरी नून की टीम जीती है तो इसका राज मैंने अभी पूछा कि भाई पिछले 5-6 साल में 3 या 4 बार पूरी थाली ट्रॉफी टूर्नामेंट जीत के गई है। तो आज वो हाँ वो टोटको तो वो लाल बड़ी पेरे बेटा बे ही भाई एक खुना मैं हाँ तो लाल बड़ी है मेरे वो अशोक जी का राज आज भाई दिनेश जी ने खोल दिया मेरे सामने। उन्होंने बोला कि भाई मेरे टीम के जो भी सदस्य है उनको हम एक महीना पूरी थाली खिलाते हैं। तो जिसको भी अगली बार जीतना है तो अभी आपको मालूम है कि क्या करना है अगली साल आपको दूसरा खाली एक ही विषय रखूंगा शॉर्ट में। मैं खाली वो पत्रिका देख रहा था आपकी तो बहुत गर्व महसूस हुआ मुझे कि अपना राजपुरोहित समाज आज पूरे भारत में फैला हुआ है, चेन्नई से लेके दिल्ली तक, पानीपत, कोल्हापुर, सूर, सब जगह फैला हुआ है। लेकिन हर शहर की एक विशेषता है कि कुछ सीमित व्यवसाय हर शहर में, जैसे चेन्नई में है तो कटलरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वैसे है, बॉम्बे में है तो स्टील है, कपड़ा बाजार है, वैसे है। सूरत के वो पत्रिका में मैं भामाशाहों की लिस्ट देख रहा था, 27 प्रकार के व्यवसाय मुझे मिले। बैग वाले है, सिल्क मिल वाले है, इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, ज्वेलर है, ड्रेस मटेरियल वाले है, रियल इस्टेट, होटल, सारी, पैकेजिंग, टेक्सटाइल इंडेंटिंग, फर्नीचर, नॉवेल्टी, मोबाइल, डेवलपर, चाय वाले, सिल्वर, स्किन क्लिनिक भी है किसी का, मैं ग्रेनाइट, स्टील, LIC, ड्राई फ्रूट, बेल्ट एंड परफ्यूम वाले भी है, ऑप्टिकल वाले भी है, मेन शर्ट, स्वीट एंड डेरी, गिफ्ट आर्टिकल। तो 27 प्रकार के व्यवसाय इस शहर में अपने समाज बंधु कर रहे हैं, ये बहुत अपने गौरव की बात है। मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा शहर होगा कि इतने विविध प्रकार के व्यवसाय, तो ये सबके लिए एक प्रेरणादायी होगा दूसरे अपने शहर में रहने वाले समाज बंधुओं के लिए। और वरे क्यों रही हो अच्छा उठवा
और एक है लेकिन उसको मैं व्यवसाय की श्रेणी में डालूंगा नहीं, क्योंकि वो तो सेवा भाव का जज्बा है, राजनीति तो हर क्षेत्र में दमखम रखते हैं अपने समाज बंधु। यहाँ पे बहुत प्यारा शहर है, सूरत बहुत खूबसूरत है, और इतना ही कह के मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार आपने हमको इधर बुलाया, धन्यवाद जगदीश जी। जगदीश जी ने एक बात कही कि मैं आपके और आपके आनंद के बीच नहीं आना चाहूंगा। कई बार हमें थोड़ी किरकिरी महसूस होती है जब क्रिकेट के ओवरों के बीच में ऐड आती है, लेकिन हमेशा याद रखना वो ऐड है ना तब तक क्रिकेट है, जब तक ये समाज बंधु है ना तब तक ये नज़ारा पेश होता रहेगा। तो आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी उन ऐड की तरह, और बढ़िया बातें की, और जो भी हमारे 27 प्रकार के बिजनेस इन्होंने बताए, मैं चाहूँगा कि अब हम ड्राई फ्रूट लेने जाएँ तो हमारे वाले के पास जाएँ, बैग लेने जाएँ तो हमारे वाले के पास, कम से कम ऐसा भाव यहाँ से ज़रूर लेके जाएँ। एक स्पॉन्सर हमारे बीच से छूट गए थे, शॉपिंग बस्ती माँ रोहिणी टीम के स्पॉन्सर, उनसे निवेदन है कि मंच की तरफ आगे आएँ। या इसके बाद हमारे नवसारी में राजपुरोहित समाज का गौरव श्रीमान नरेश जी राजपुरोहित, चेयरमैन महकन कमेटी, उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमें प्रेरित करें उद्बोधन के लिए आगे आए मंच की तरफ। जोरदार तालियों से स्वागत श्रीमान नरेश जी राजपुरोहित का। बोलो सतगुरु देव की जय, श्री खेताराम जी महाराज की जय, बोले श्री शिवानंद जी महाराज की, बोले श्री तुलसानंद जी महाराज की। मंचस्थ राजपुरोहित समाज ना प्रमुख श्री मारा मोटा भाई सूरत ની આન બાન શાન એવા દિનેશભાઈ પુરોહિત, ખૂબ જ સેવાકીય ભાવના અને મોટું નામ ધરાવતા પ્રતાપજી પુરોહિત, તુલસીરામજી પુરોહિત, તેમજ જગદીશભાઈ જે પુરોહિત, જ્ઞાનમલભાઈ દેસાઈ, તેમજ મંચસ્થ મહાનુભવો, તેમજ આ ગ્રાઉન્ડમાં જે મારા કાળજાનો કટકો કેવો એવા મારા પુરોહિત બંધુઓ, એક બે સ્ટેજ ઉપરથી શાયરી કહીશ। કડી સે કડી મિલે તો બન જાતી હૈ જંજીર, કડી સે કડી મિલે તો બન જાતી હૈ જંજીર, ઓર હાથો સે હાથ મિલે તો ખુલ જાતી હૈ તકદીર। ખરેખર સૌ પ્રથમ તો આરસીએલના જે આયોજકો છે એમનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ જ આભાર માનું છું કે આટલું મોટું આયોજન સુરત નગરીમાં કરવું એ કોઈ નાના ખેલ નથી, એ પૂરી તરફથી સોળે કળાએ ખીલેલા હશે, ઘડાયેલા હશે તો જ આટલું સારું સુંદર આયોજન કરી શકે છે। બીજો જે દાતાઓ છે, કારણ કે તન મન અને ધન કોઈ પણ કાર્યક્રમ કરવો એક સાથે તાળી પડતી નથી, એમાં ત્રણે ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડે છે, તો જે આ કાર્યક્રમમાં જે મદદરૂપ દાતાઓ થયા છે એમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। અને આપણા સુરતના પ્રોગ્રામમાં જેટલા પ્રોગ્રામ હોય છે એમાં મને દર વખતે આપ આમંત્રિત કરો છો, હૃદયપૂર્વક આપનો આભાર માનું છું। એક બીજી શાયરી મને યાદ આવી ગઈ છે તો કહી દઉં છું, આપકા જો સાથ, આપકા જો સાથ તો પૂરી દુનિયા અપને સે લગતી હૈ, આપકા જો સાથ તો પૂરી દુનિયા અપને સે લગતી હૈ, વરના સીને મેં સાસ ભી પરાઈ લગતી હૈ। મિત્રો આપ સૌના આશીર્વાદથી, આ મંચસ્થ મહાનુભવોના આશીર્વાદથી હું નવસારી નગરપાલિકા બે વખત જીત્યો છું, અને આપના આપનો ઋણી છું, આપનો મારે આજીવન આપનો ઋણી રહીશ, અને મારા લાયક કંઈ પણ અડધી રાતે કામ હોય તો મને ફોન કરજો, ક્યારે પણ અચકાતા નહીં, રાત્રે બે વાગ્યા હોય તો ફોન કરજો ગમે તે ટાઈમે, તમારો ભાઈ સમજીને, તમારો પરિવારનો એક નાનકડો છોકરો સમજીને। બસ અહીંયા મારી વાણી વિરામ આપું છું, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો।
माननीय नरेश जी का जोरदार तालियों से हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं यहाँ पर पधारकर इस मंच की शोभा बढ़ाई। अब मैं आमंत्रित करूंगा वार्ड नंबर 18 के नगर सेवक हमारे दिनेश भाई के साथी कॉरपोरेटर। ग्यामर भाई देसाई जोरदार तालियों के। આજના આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રાજપુરોહિત સમાજ અધ્યક્ષ શ્રી બાબુસિંહજી, મારા સાથી અને મહાનગરપાલિકાના ચેરમેન દિનેશજી, મારા સાથી કોર્પોરેટર બીજા નંદલાલ નરેન્દ્રભાઈ જે આ ગ્રાઉન્ડના માલિક છે, તથા મંચસ્થ સર્વે મહાનુભાવો, આજે જે ધ્યાનમાં આવ્યું કે આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટથી સમાજના યુવાનોની વડીલોની જે એકતા સંગઠિતતા જે અહીં ધ્યાનમાં આવી એના માટે સમાજના અધ્યક્ષ તથા આપ સર્વેને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આજ એકતા સંગઠિતતા આપણા સમાજના રચનાત્મક કાર્યક્રમોમાં અને સમાજના જે રીતિરિવાજો કે સમાજની જે સામાજિક બાબતો છે એમાં પણ એકરૂપ થઈને સમાજને, જેમ ભાઈ સાહેબે વાત કરી કે અલગ અલગ વ્યવસાયની સાથે સમાજના ઉત્થાન માટે આજ સંગઠિત જે આજે થયા છો એ કાયમ માટે જળવાઈ રહે એવી મારી શુભેચ્છા। અસ્તુ, ભારત માતા કી જય। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ગેમરભાઈ દેસાઈ, તમારો અહીંયા અમને સંબોધિત કરીને પ્રેરિત કર્યા એના બદલ। અબ મેં આમંત્રિત કરના ચાહુંગા જો સંસ્થા બ્રાહ્મણો કો જોડને કા કાર્ય કર રહી હૈ, જિનકે ગુજરાત કે પ્રદેશ અધ્યક્ષ હૈ તુલસીરામજી, ઓર સુરત મે જિનકે હમારે અધ્યક્ષ હૈ घनश्याम जी सेवक, उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमें प्रेरित करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें घनश्याम जी सेवक का। देखो साहब, मैं तो मारवाड़ी में बोलूं क्या, और भाषण कम दूं काम ज्यादा करूं, आपने सबने मालूम उसे जो सबने भाषण दिया है अच्छा दिया है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो युवा पीढ़ी है वो आगे आनी चाहिए। अभी जो चुनाव हुए थे ने, हमारे बीकानेर से दो कॉपरेटर आए थे भाई साहब, जब मैं दिनेश जी के वहाँ से हम गुजरे थे, मेरे को बोला एमपी का चुनाव हो रहा है क्या, मैं बोला नहीं, नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, यहाँ युवा लोग, जो युवा लोग हैं नहीं वो आगे आते हैं तो वहाँ भीड़ होती है भाई साहब क्या। तो उस टाइम मेरे को, मैं अंदर भी गया साहब दोनों को लेके, बोला भाई साहब ये तो एमपी से ज़्यादा चुनाव है, मैं बोला यार युवा काम करते हैं और सूरत से सबको सीखने को मिलेगा। भाई साहब ने सबने बोला था क्यों सीखने को पड़ेगा, विप्र फाउंडेशन को कोई दुनिया में भी नहीं जानता था भाई साहब विप्र क्या होता है। और 2015 में जो अपने महाकुंभ किया था वो एक मिसाल था, हर एक चीज़ मिसाल थी, विप्रो को सूरत से सीखने को मिला। आज संयोजक थे कलकत्ता के, उनको इतना नहीं था, जो सूरत में महाकुंभ हुआ उसके बाद अपने देखा है कि विप्र में कितनी ताकत होती है भाई साहब, उसमें 25-30 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए, पहली बार ऐसा काम किया, जो भवन लिया विप्रो ने तो पहले अपने सूरत में लिया, शिक्षा सेमिनार चलाए तो सूरत में चलाया अपने भाई साहब। जो युवा लोग आगे आएंगे तो सब इकट्ठे होंगे भाई साहब, और समाज में राजनीतिक मत करना भाई साहब, ये एक मैं जरूर आपको बोलता हूँ, समाज में सामाजिक काम करो और समाज को आगे बढ़ाओ, मैं इतना कह के कर दो। खूब खूब धन्यवाद घनश्याम जी सेवक, इनकी सादगी को इनकी कर्मठता को बड़ी बारीकियों से देखने का मौका मिला था जब विप्र फाउंडेशन का वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हुआ था। ब्राह्मण समाज का कोई भी कार्य हो, हमेशा वर्षों से घनश्याम जी सेवक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब हम अभी
अभी ना कह रहे हैं, वो उनकी तबीयत सही नहीं है। कपूर जी आना चाहे तो मंच पर स्वागत है। ठीक है, अब जिनके बिना इस आयोजन की कल्पना करना संभव नहीं था, सबसे पहले ये डेकोरेशन जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपना समझकर लगाया, कोई चीज की कमी नहीं रहने दी, जयेश भाई उनका स्वागत करेंगे। खाना राम जी, नियॉन इवेंट्स, जयेश भाई के लिए जोरदार तालियां, कहीं कोई कमी नजर नहीं आई इस 5 दिन के आयोजन में। इसके बाद मेहुल गांधी और उनकी टीम मंच पर बता रहे हैं, अंपायरिंग एंड स्कोरिंग के लिए इनकी निष्पक्षता और इनके अनुभव से जो 5 दिन का सफल आयोजन हमें देखने को मिला है, इनमें इनकी अहम भूमिका है। जोरदार तालियां। जरूर निराशा होती होगी जब इनकी उंगली ऊपर होती होगी, लेकिन अब जोरदार तालियां बजनी चाहिए इन सभी के लिए, अंपायरिंग के लिए, स्कोरिंग टीम के लिए। इसके बाद इनके साथ मौजूद है नूर भाई, नूर भाई के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। शानदार कमेंट्री, इनके अनुभव से काफी कुछ युवा कमेंटेटर को सीखने को मिला और हमें YouTube के माध्यम से और ग्राउंड में आंखों देखा हाल सभी तक पहुंचाया नूर भाई और उनकी टीम का धन्यवाद। इसके बाद इस बार YouTube की बहुत चर्चा थी क्योंकि इतनी क्लियरिटी इंटरनेशनल लेवल के मैचों में देखी जाती है, वो क्लियरिटी इस बार हमें देखने को मिली, तो YouTube की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कैमरे के सामने पर्दे पर अच्छा दृश्य दिखे उसके लिए पर्दे के पीछे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, उस YouTube की टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा यहां पर। इसके बाद इस ग्राउंड में हमें परिवार की तरह समझा, हमारा हर मौके पर साथ निभाया, उनका मैं स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से उनको आमंत्रित करूंगा। जगदीश भाई काफी सहयोग रहा, कोरोना की आप जानते हैं कि गाइडलाइन है और ये ग्राउंड 10:30 बजे तक चालू रहा, ये कृपा थी सिर्फ जगदीश भाई की। अब ये 5 दिनों से स्वादिष्ट भोजन का जो आप लुफ्त उठा रहे हैं, इनमें जिन्होंने अपने भाव भरे, इसके बाद कैटरिंग टीम से मैं बुलाना चाहूंगा लादू जी खूब खूब धन्यवाद इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खिलाड़ियों को परोसने के लिए। अगर भोजन में थोड़ा बहुत भी मजा आया ना तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि भोजन में स्वाद मसाले डालने से नहीं, भाव डालने से आता है। और अंत में मैं सबसे प्यारा नाम अपने समाज का, जिसने अपनी एंकरिंग से और कमेटी अपनी कमेंट्री से जो सबको प्रभावित किया है, वो है नाम कैलाश पुरोहित सिल्डर। बहुत ही प्यारा एंकरिंग, बहुत ही प्यारी, सबसे इनको सीख मिलती है, इनकी जो वाणी है, इनके जो शब्द है, तोल मोल के बोलते हैं कैलाश पुरोहित। हेलो, ये इस 5 दिन के आयोजन में हर साल प्रकाश जी बसंत ये भूमिका निभाते थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनकी जगह मुझे ये कार्य सौंपा गया। और इन्हें मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि मेरे लायक कुछ भी काम हो मुझे जरूर बताना, सभी मुझसे बड़े हैं, मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं, आगे से कभी सम्मान के लिए मेरा नाम ना ले, क्योंकि अगर
आप अगर तालियां बजाना चाहते हैं तो बजाइए इस आरसीएल की कमेटी के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे तो सिर्फ बोलना है, पर्दे के आगे दिखना है, लेकिन पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। इस बार मैंने बड़ी बारीकी से देखा कि अगर समाज को एक मंच पर लाना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये जो भगीरथ कार्य कर रहे हैं, मैं दिल से इनकी सेवा को नमन करता हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत मेरा मान रखते हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए आरसीएल कमेटी के लिए। इसके बाद अब जो इतनी बड़ी ऐड चल रही थी जिसकी वजह से क्रिकेट संभव है, वो ऐड अब कहीं ना कहीं पूरी होती हुई। अब फिर से चलते हैं क्रिकेट की तरफ। और दोनों ही टीमें लगभग लगभग समान, जिन स्टार बल्लेबाजों से उम्मीदें थी वो आज जल्दी सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। हर किसी का एक अलग दिन होता है, आज वो ना चले तो जब ये स्टार बल्लेबाज लौट चुके थे ग्राउंड में, तब जाके कहीं ना कहीं दोनों टीमें सेम लेवल पे वहां पर खेलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इन दोनों के टीमों में सिर्फ एक अंतर था, और उस अंतर का नाम लेना चाहूंगा मैन ऑफ द मैच मनोज सिंह राजपुरोहित, जिसने आज बहुत से युवाओं को प्रेरित किया, क्रिकेट किस तरह खेला जाता है वो दिखाया और लोगों को सिखाया। जितनी तारीफ की जाए इस बंदे की उतनी कम। इसके बाद बेस्ट बॉलर ऑफ दिस टूर्नामेंट कहीं ना कहीं केसीसी आज ये फाइनल खेल रही हैं, किसकी बदौलत? भावेश जाने, काफी किफायती गेंदबाजी की है, बेस्ट बॉलर टूर्नामेंट के। बड़े बड़े गेंदबाजों को पिटते हुए देखा है और उन पिटते गेंदबाजों में से बच के अपनी टीम के लिए रनों को रोका, विकेटें चटकाई, ऐसे भावेश जानी जोरदार तालियां। भावेश जानी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर एंटरटेनिंग अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इसके बाद इस ग्राउंड में कड़कती ठंड में हमने रनों की बरसात देखी, और वो बल्ला था बेस्ट बैट्समैन, नो डाउट अबाउट दिस, मनोज सिंह राजपुरोहित फ्रॉम पुरोहित थाले। इनके लगभग लगभग 399 रन है, 262.50 का इनका औसत है, मुझे याद है। बढ़िया, जोरदार तालियां। इसके बाद इस ग्राउंड पर काफी स्पॉन्सरों ने मेहनत की, टीम मेंटर्स ने मेहनत की, टीम कप्तानों ने मेहनत की, बहुत से सितारों को यहां पर बुलाया, लेकिन एक सितारा जो सबसे ज्यादा चमका, जिसने दिखाया और दूसरों को बताया, सिखाया कि खेल को कैसे खेला जाता है, कोई डाउट है किसी को या बार बार नाम लूं मैं? मनोज सिंह राजपुरोहित मैन ऑफ द सीरीज। निश्चित रूप से आज इनके खेल को छोड़कर इनकी फिटनेस की अगर मैं बात करूं तो मुझे इंटरनेशनल लेवल के एथलीट नजर आए इनमें। क्या फील्डिंग करते हैं, क्या बैटिंग करते हैं, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है इनका, जितनी तारीफ की जाए इस समाज के सितारे की उतनी कम। अगर अच्छा खेलना है तो फिट रहना जरूरी है, इनसे प्रेरणा हो लेकर मैं आरसीएल 7 में थोड़ा फिट नजर आऊंगा। इसके बाद जो तो के भरोसे जिसने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल से उनका खेल अलग ही दिशा में गया और लोगों को बताया हम यहाँ किस्मत से नहीं, हमारे हौसले से पहुंचे हैं, हमारी काबिलियत से पहुंचे हैं। किस्मत को पलटकर काबिलियत दिखाने वाली क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंचने वाली रनर्स अप टीम, टीम केसीसी के लिए जोरदार तालियां। आज उम्मीदें थी इनसे,
उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन आज हर किसी के दिल में केसीसी ने जगह बनाई है। बहुत सारा प्यार आरसीएल परिवार की तरफ से पूरी टीम के साथ मंच पर बधा रहे हैं। आज मंच पर केसीसी को देखकर बहुत सी टीमें प्रेरणा लेगी, किस तरह का इन्होंने प्रदर्शन किया है क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में। वो प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी, लेकिन फिर भी 16 में से अंतिम दो में जगह बनाना अपने आप में बड़ी बात। यहाँ बहुत सारे बड़े सितारे उतरे थे, लेकिन दलपत, रोहित, चिराग, भावेश जानी, हितेश और सभी खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया उसके लिए होटल में पार्टी बाकी है। जब जब ये खिलाड़ी यहाँ से गुजरे इनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। यही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 दिनों तक आपको रोमांचित किया। सभी मेहमान, मैं चाहूंगा कि अगर सुंदर एक तस्वीर पेश करनी है तो कैप्टन यहां पर खड़े रहे, टीम मेंबर्स यहां पे आ जाए, भीड़ नहीं होगी। सभी टीम मेंबर्स, कैप्टन ऊपर रहेंगे, सभी टीम मेंबर्स यहां पे आ जाए, भीड़ भी नहीं होगी, बढ़िया फोटो आएगी। कैप्टन सोता, गेस्ट सोता, प्लेयर से तेरा सारो फोटो मत तो ऐसे करता नीचे, फिर प्लेयर्स नीचे, कैप्टन, प्लेयर्स, टीम कैप्टन हितेश भाई, सभी कैप्टन, सभी खिलाड़ी सामने की तरफ आ जाए। केसीसी की ये टीम जिनके स्पॉन्सर थे एमडी ग्रुप, एक धुन बजनी चाहिए। जयेश भाई क्या यार, शुभकामनाएं आने वाले आरसीएल के लिए और बहुत सारा धन्यवाद, आपके खेल से रोमांचित किया आपने हमें। इसके बाद देखो चेक का इंतजार स्पॉन्सर ही कर सकता है। केसीसी प्लेइंग 11, हितेश एम पुरोहित, अंकित राजपुरोहित, भावेश जानी, चिराग, दलपत, जसवंत असावा, किशोर, प्रमोद, पुरोहित इंद्रा, राजेंद्र सोथुआ और रोहित राजपुरोहित, ये प्लेइंग 11 उतरी थी फाइनल में। तो कोई कोई जल्दी
के साथ और उस जज्बे के साथ कि अगले साल हम फिर से मिलेंगे इस 5 दिनों के आयोजन में, जाने अनजाने में हम किसी से भूल हुई हो तो हम हाथ जोड़। अशोक भाई का डांस, अशोक भाई का डांस, अशोक भाई का डांस। हम फिर मिलेंगे इसी जज्बे के साथ, इसी हौसले के साथ आने वाले साल 2023 में आरसीएल 7 को लेकर। आप सभी का धन्यवाद। पूरी टीम मेंबर नीचे पहुंचे अशोक भाई के साथ। ओके मामू, लेके चलो ना बाजा। एक और, एक बार एक सेकंड। अशोक भाई आपके मुंह से। YouTube यहां पर। हेलो, ये कप मैं मेरे भाई दशरथ को समर्पित करता हूँ। दशरथ वराड़ा को मैं समर्पित करता हूँ मेरा ये कप। एक बार जयेश भाई, एक बार और बोलिए वर्मा जी भगवान की, आज के आनंद की। इस आनंद को यहां तक लाने वाले कमिटी मेंबर्स को कैसे भूल सकते हैं। सभी का मोमेंटो देकर सम्मान करेंगे। दिनेश जी भाई साहब, सभी कमिटी मेंबर्स एक एक करके आए। अशोक भाई का डांस देखे बिना यहां से कोई घर नहीं जाने वाला है। कबूतर डांस स्टार्ट हो जाओ यहीं से। एक सेकंड, थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। ये जश्न शुरू हो उससे पहले आप सभी को आने वाले समय में अपने जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार इसी जज्बे के साथ हम फिर से मिलेंगे आरसीएल 7 में। तब तक अगर किसी से जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मैं उनकी तरफ से कान पकड़कर माफी मांगता हूं। सबने यहां पर अपना साथ निभाया, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। टीम कैसी सी है? ओ टीम कैसी सी यार, नाचोगे नहीं क्या है? फाइनल में पहुंचे हो, फाइनल में। एमएसटी होती तो धमाका करती यहाँ पर। टीम कैसी सी है? भावेश, हितेश, राजू, प्रमोद,